रोशन है हमारे साथ, रोशन को आपने देखा होगा मेरे साथ पहले यूट्यूब पर जनता सीरीज में, और रोशन अभी इंटरव्यू देके आए हैं। रोशन कैसा एक्सपीरियंस था यहाँ तक पहुँचे आप, एक तो वो बताइए कि कितनी बड़ी बात होती है, और अंदर क्या अनुभव रहा? सर अंदर तो बोर्ड तो काफ़ी हम्बल थे और काफ़ी अच्छे से बात कर रहे थे, और क्वेश्चंस भी काफ़ी अच्छे अच्छे पूछे गए थे, और यहाँ की जर्नी तो काफ़ी उतार चढ़ाव वाली रही, लेकिन हाँ एनी हाउ पहुँच गए। मैं आपको याद दिला दूँ, रोशन के पिताजी मैकेनिक हैं, मदर इनकी लेबर हैं, और बहनें इनकी डॉक्टर हैं, वो भी गवर्नमेंट कॉलेजेस। तो रोशन के परिवार ने एजुकेशन में बहुत इन्वेस्ट किया है, वो वीडियो जरूर देखिएगा। रोशन जो आपकी मेंटोरशिप हुई सिविल ट्रेनिंग में 1-to-1, उसने कितना हेल्प किया? सर जो सजल सर के साथ जो 1-to-1 किया वो काफ़ी मेरे लिए हेल्पफुल रहा। तो उन्होंने मुझे ये बताया कि हाँ कि कभी कभार जैसे नॉर्मल क्वेश्चन को तो हैंडल कर लेंगे, लेकिन मान लो कभी कभार बाउंसर क्वेश्चन पूछ लिए, ट्रिकी क्वेश्चन पूछ लिए, उसके ऊपर आपका क्या स्टैंड होना चाहिए, करंट डिबेट जो चल रहे हैं उसके ऊपर क्या स्टैंड होना चाहिए, उसमें काफ़ी मेरे को मदद मिली। ऑब्जेक्टिव यही है कि आपको ऐसे कॉन्ट्रोवर्शियल क्वेश्चन भी बताए गए जो कई बार यूपीएससी पूछता है आपको ट्रिक करने के लिए, 1-to-1 का पर्पस ही वही है। रोशन अगर आप IAS बन जाते हैं, IPS बन जाते हैं, ये कितनी बड़ी बात होती है, क्योंकि आपकी पृष्ठभूमि से कोई आ रहा है जो इतना संघर्ष करके आ रहा है, तो जब हम IAS IPS बनते हैं ये कितनी बड़ी बात होती है? जी सर, और क्योंकि फैमिली का भी सपना है कि हाँ IAS बने, तो जरूर पूरी कोशिश रहेगी मेरी। फैमिली से याद आया, आपकी दीदी जो मैं आपसे इनसे पहली बार मिला था मेन्स गेट डेट्री सेंटर में, तो मैंने देखा था कि खाट लगा के इनकी दोनों बहनें थी वहाँ, एक बहनें इनको पंखा कर रही थी और एक बहन को खाना खिला रही थी, तो ये एक अलग ही पॉजिटिविटी वहाँ पे दिखा रहे थे। तो बहनें कितनी खुश हैं, माँ बाप कितने खुश हैं जब आपको इंटरव्यू तक पहुँचते हुए देखा? जब पापा को बताया मैंने, सबसे पहले न्यूज़ पापा को ही दी थी, तो पापा मम्मी साथ बैठे थे, तो फिर उस टाइम जब उनको न्यूज़ मिली तो काफ़ी ज़्यादा खुश हुए वो, और जब दीदी को बताई तो हाँ दीदी भी मतलब बहुत खुश हुई और बोला कि कॉन्ग्रेट्स, ये मतलब तुम्हारी मेहनत का नतीजा है। और मेन बात ये कि एग्जाम सेंटर में मेरे दीदी हमेशा साथ थे, तो मुझे जब भी कुछ नेगेटिव फीलिंग आती थी हाँ, तो मुझे आइडिया लग जाता था कि हाँ कि दीदी मेरी मदद कर रहे हैं, और दीदी भी मतलब दीदी को भी आइडिया लग जाता था कि हाँ ये भी थोड़ा डिमोटिवेट होने वाला है, इसका चलो एक आध क्वेश्चन छूट गया है। तो उस टाइम दीदी ने मेरी काफ़ी हेल्प की, और छोटी बहन तो लाडली होती है। रिसेंटली इनके दादाजी का भी देहांत हो गया था, तो रोशन दादाजी के लिए अब करना है, और यही एक ड्रीम है कि दादाजी के लिए IAS बनेंगे। दादाजी कितने सपोर्ट करते थे उनकी कैच? दादाजी भी बहुत सपोर्ट करते थे, उनका ये सपना जरूर था कि हाँ कोई ना कोई सरकारी नौकरी में लगे, अच्छा कमाए, परिवार का ख्याल रखे, उनका हमेशा से यही सपना था। जी बहुत अच्छा लगता है जब रोशन जिस पृष्ठभूमि से आते हैं, ऐसे बच्चे जब देश के लिए कुछ करते हैं और समाज में बड़ा नाम करते हैं। मैं आशा करता हूँ रोशन आप IAS जरूर बने, और आप डेफिनेटली बनेंगे, और ऑल द बेस्ट। थैंक यू भैया।